वो फॉन्ट्स यूज करना जो रीडेबल हो, नहीं तो अक्सर लोग जो कलर हमने डार्क बात करी थी वो आप कलर आपको नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन में है तब आपको टूट गई है तो उसे हटाओ और वहां पे नई नेम प्लेट आपको लगा दें। तो अब देखते हैं कुछ नेम प्लेट्स के अमेजिंग डिजाइन। तो जब भी हम अपना घर बनवा रहे होते हैं या उसका डिजाइन करवा रहे होते हैं, पूरा घर बनने के बाद हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, हमारा पेशेंस लेवल एकदम डाउन हो चुका होता है और वहीं उस एक पॉइंट पे हम एक ऐसे डिजाइन को मिस कर देते हैं, या मिस कहूं या ऐसे कह लो कि जल्दबाजी में काम कर देते हैं, जो कि आपके घर की फील को थोड़ा सा खत्म कर देता है और वो होती है हमारे घर की नेम प्लेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे आपको अपने घर की नेम प्लेट को डिजाइन करना है वो बताऊंगा, साथ के साथ उनमें किन टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो भी आप बताऊंगा, जैसे कि भाई वेदर में बाहर कौन सी लगानी चाहिए, इंटरनल में कौन सी लगानी चाहिए, और इतना ही नहीं वास्तु के हिसाब से आपके घर की नेम प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, कहां लगनी चाहिए, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है कि नीचे जो दिया लाइक बटन है और जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दो, आने वाली अमेजिंग वीडियो आप कहीं मिस ना कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं होम ओनर्स की, मतलब कि जिनका घर फ्लैट है या एक अपना इंडिपेंडेंट घर है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्टेप वन आता है वो ये है कि आपको अपने आप से पूछना है या अपने घर वालों से पूछना है कि आप किस चीज से ज्यादा इंस्पायर्ड हो, किस चीज की फील आप अपने घर में चाहते हो, मतलब कि जब आप अपने घर में घुसो या कोई गेस्ट आपके घर में आए तो कौन सी फीलिंग है जो बाहर पोर्ट्रे होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं जिसमें से आप चाहो सेलेक्ट कर सकते हो और ये काफी कॉमन और यूनिवर्सल होते हैं कि आप चाहते हो कि आपके घर में जब कोई आने वाला हो तो वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिखाई दे या आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिखाई दो। दूसरा, क्या आप इसको एक कपल फ्रेंडली फील देना चाहते हो, जैसे कि इसके अंदर कोई कपल रहता है, आप उस तरीके से आपने अगर अपने घर को सजाया तो क्या उसकी फील देना चाहते हो। क्या आप नेचर से रिलेटेड दिखाना चाहते हो, यार हम है नेचर लवर और हम भी कहीं भी घूमने जाते हैं तो नेचर में जाना बहुत पसंद करते हैं, या फिर एक जॉइंट फैमिली की फील दिखाना चाहते हो कि यार सारा परिवार हमारा एक साथ यहां रहता है, या फिर आपको कोई एनिमल पसंद है या आपको बच्चों से रिलेटेड कुछ थीम प्लेट बनाना है, तो यहां पे आपको एक फील दिखानी है कि आपके घर में जब भी कोई घुसे या आप खुद घुसो तो वो कौन सी फील है या कौन सा इमोशन है जो आप चाहते हो आपके घर में ट्रिगर हो, मतलब कि हमारे सपनों का घर कैसा दिखना चाहिए वो एक नेम प्लेट में ही सब कुछ फील आ जानी चाहिए। तो ये था हमारा स्टेप वन। अब आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लो और अपने इमोशंस को फटाफट लिख लो। अब सेकंड जो होता है उनके लिए जिनके ऑफिसेज बने हुए हैं, अब यहाँ पे आपको अगेन अपना इमोशन नहीं चुनना है, यहाँ आपको चुनना है अपना प्रोफेशन। और अब चिंता मत कीजिए कि मैं पूछ रहा हूं यार ये तो हमने चुन लिया इसके बाद क्या, डोंट वरी, ये सारी चीज जब एंड में एक साथ इकट्ठी होंगी तब आपको पता लग जाएगा कि घर की नेम प्लेट सजाई कैसे जाती है। अब जो यहाँ पे स्टेप टू आता है वो ये है कि आपको अपने घर का नाम रखना है, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे किसी को अगर कपल की फील देनी है तो मतलब कि जैसे कोई नाम ले लेते हैं रैंडम कविश एंड पूजा, ठीक है, अब यहाँ पे आप कविश एंड पूजा लिख सकते हो, या आपने अपने घर का जो सरनेम है जैसे मेरा हो गया सहरावत तो आप सहरावत लिख सकते हो, या फिर कोई भी आप नाम चाहो वो लिख सकते हो। और उसके बाद आपको डालना है अपने घर की थीम का नाम। दैट्स राइट, थीम का नाम मतलब कि आपके घर में जाने के बाद कौन से कलर्स हैं बहुत ज्यादा जो हैं, मतलब कि आपको देखना है कि किस थीम पे है, क्या वो क्लासिकल है, क्या वो ट्रेडिशनल थीम है, या कंटेम्प्रेरी है, या मिनिमल है। अब आप कहोगे यार मनीष हम कैसे पता लगाएं, हमारे घर में सारा व्हाइट है तो हमारे घर की थीम का नेम क्या होना चाहिए। डोंट वरी, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाना, वहां पे हमने हर घर का एक नाम रखा हुआ है, जैसे रैप्चर रिज कॉलोनियल्स थीम। अब आप तब तक के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग या एग्जांपल्स देखो। तो यहां पे हमारा जो घर का नाम है वो डिसाइड हो जाता है। तो ये बना जैसे कविश एंड पूजास द रैप्चर्स रिज, या कविश एंड पूजा द रिवर फॉल। तो यहाँ पे आपके घर का जो नाम है वो अब डिसाइड हो चुका है। तो हमारा नाम डिसाइड हो गया है, हमारी इमोशंस डिसाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे जो आता है स्टेप थ्री, जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता है, वो ये है कि यहाँ पे आपको जो हमने सबसे पहले इमोशन और फील्स देखा था उसके एलिमेंट्स को इंटरनेट से चुन लेना है। अगेन पिंटरेस्ट पे जाइएगा या नेट पे जाइएगा, वहां पे आपको लिखना है कि होम नेम प्लेट डिजाइंस, वहां पे आपको वो एलिमेंट्स चुनने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, तो अब आप ये फोटो देख रहे हो, इसके अंदर से मुझे ट्री पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। अब दूसरी पिक देखो, इसमें से मुझे क्लाउड्स पसंद आए तो मैंने क्लाउड्स रख लिए। तीसरी फोटो देखो, मेरे को इसमें पसंद आया कि ये डार्क कलर दिख रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। चौथी फोटोज में अगर कुछ देखे तो मैंने गणेश जी को चुन लिया। तो अब हमने अपने घर का नाम अपने एलिमेंट्स को चुन लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने डिजाइनर के पास, मतलब कि जहां पे होम नेम प्लेट बनती है, और उनको ये फोटोज दे देनी है कि इनका कंबाइन करके भाई हमारे घर की एक बढ़िया सी नेम प्लेट डिजाइन कर दो, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। आप करोगे तो कुछ और ही बन जाएगा, लेकिन वो लोग
प्रोफेशनली थीम के अकॉर्डिंग आपके घर की नेम प्लेट बना देंगे। अब जो यहाँ पे पॉइंट है ध्यान रखना है कि जो बेस प्लेट है वो हमेशा डार्क रखनी है और जो मेन लेटर्स हैं वो हमेशा लाइट रखने हैं, सो दैट कि वो रीडेबल। अब आते हैं यहाँ पे अपने टेक्निकल पॉइंट्स पे, एंड नेक्स्ट जो हम पार्ट बात करेंगे वो होगी हमारे वास्तु वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको अपनी जो नेम प्लेट का साइज है वो 10 इंच बाय 6 इंच का रखना है। इससे कम ही रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो फिर वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। दूसरा, अपने जो भी फॉन्ट्स आप यूज करो वो फॉन्ट्स यूज करना जो रीडेबल हो, नहीं तो अक्सर लोग ऐसे फॉन्ट्स को यूज कर लेते हैं जो बाद में रीड ही नहीं हो पाते। और पता चला आपका डिलीवरी बॉय, अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है तो वो घर ढूंढता जा रहा है और पता चला रहा है ये तो मेरे सामने ही था। दूसरा, आपकी बेस प्लेट का जो कलर हमने डार्क बात करी थी वो आप कलर आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए और फॉन्ट्स का कलर भी आपके घर में कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अगर आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगने जा रही है वो ये है कि आपको यहाँ पे स्टोन यूज कर सकते हो, आप अपना ACP बोर्ड यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे MS यूज कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हो और ग्रेनाइट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको यहाँ पे एक लिट अप पॉइंट जरूर देना ही देना है जिससे कि लाइट वहां पे जरूर है। और आजकल तो इतनी अमेजिंग लाइट्स हैं, डोंट वरी, मैं आपको कुछ अमेजिंग नेम प्लेट की फोटो एंड में दिखाऊंगा जो आपको बड़ा मजा आएगा देख के। तो अमेजिंग लाइट्स हैं वो वहां पे डालनी है, डोंट वरी, जिनके घर में नहीं है तो वहां पे आप एक अलग से लाइट पॉइंट प्रोवाइड करा सकते हो। दूसरा, अगर आपके घर पे नेम प्लेट आप चिपकाने वाले हो तो फिर आपको हमेशा 3M कंपनी की डबल साइडेड टेप यूज करनी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं वास्तु के बारे में। अगर आपका जो मेन डोर है वो नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन में है तब आपको मेटल की नेम प्लेट यूज करनी है, मेटल या स्टेनलेस स्टील इनको यूज कर सकते हो। अगर आपका डोर साउथ या ईस्ट डायरेक्शन में है तब आपको वुडन फिनिश को यूज करना, ये घर के अंदर की बात है। दूसरा, आपको वास्तु के अकॉर्डिंग ये नेम प्लेट आई लेवल पे लगानी है जिससे कि वो क्लियरली विजिबल हो। दरवाजे के ऊपर आपको नेम प्लेट को नहीं लगाना है, आपको या तो उसके लेफ्ट या राइट किसी वॉल पे लगाना है। एजेस हैं वो शार्प नहीं होने चाहिए, ये इनऑस्पिशियस माना जाता है। आपको ऐसे किसी भी सिंबल्स का यूज नहीं करना है जो नेगेटिविटी दिखाते हो। दूसरा, वास्तु के हिसाब से ग्रीन, अर्दी कलर या वुड कलर, ये जो है ये वास्तु के हिसाब से कुछ ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट, आपको अपनी ब्रोकन नेम प्लेट को कभी भी घर के एंट्रेंस पे नहीं रखना, अगर टूट गई है तो उसे हटाओ और वहां पे नई नेम प्लेट आपको लगा देनी है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप वास्तु में बिलीव करते हो कि नहीं करते। तो अब देखते हैं कुछ नेम प्लेट्स के अमेजिंग डिजाइन्स, लेट्स हिट इट। और हमारे वेबिनार और कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, मतलब आप में से कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है या डिजाइनर है, अगर वो चाहता है अपनी लाइफ और अपनी सैलरी को हाइक करना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहते हो उसे खरीद सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।